أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. स्टूडेंट आज हम लेसन प्लान नंबर 2 स्टार्ट करने जाएंगे, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, अगेन चैप्टर 1 ही है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें हमने हाफ चैप्टर को कवर किया था और आज हाफ चैप्टर हम कवर करने जाएंगे। लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने सीरीज सर्किट को अटेम्प्ट लिया था, तो आज जो हम सर्किट करने जा रहे हैं जी पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा जी। जब भी करंट के गुजरने के लिए आपके एक से ज़्यादा रास्ते हो जाएँ, करंट के गुजरने के लिए अगर एक से ज़्यादा रास्ते हो जाएँ, तो वो सर्किट हमारे पास होता है पैरेलल सर्किट। जब हमने सीरीज सर्किट को डिफाइन किया था, वहाँ पर करंट के गुजरने के लिए सिर्फ एक रास्ता था, और यहाँ पर हमारे पास सेवरल वेज बन जाएंगे। तो इसमें हम लोग दो बातों को डिस्कस करेंगे, वोल्टेज सेम होते हैं, वोल्टेज सेम हो जाएंगे, और करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इन दो स्टेटमेंट्स को हमने रखना है। और अगर अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन में जाएं, तो जो सीरीज सर्किट था उसमें करंट सेम था, वोल्टेज डिवाइड था, लेकिन पैरेलल सर्किट उसके ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज सेम रहेंगे और करंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें फर्दर कंटिन्यू करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे जब सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में हम इनकी वैल्यूज़ को वन बाय वन एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ आने वाली हैं उनको हम कैसे लेते हैं जी। सबसे पहले जी, एक रास्ता ये बन गया था, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, तीन रास्ते थे, वोल्टेज सेम थे, करंट डिवाइड था। तो जब हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाली है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला था 1/RT, ठीक है। मैंने यहाँ पर फाइंड करना है जी टोटल रेजिस्टेंस। उसके लिए पैरेलल सर्किट में हमारे पास 1/RT होता है, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। अब मुझे क्या करना है जी, सिंपल यहाँ पे जो R1 की वैल्यू वो मेरे पास है 20, तो यहाँ पर मैं पुट कर दूँगा 20। R2 की वैल्यू मेरे पास 100 है, और यहाँ पर मैं इसको 100 पुट कर दूँगा, और लास्ट में मेरे पास वैल्यू है R3 की 50, तो इनको मैं पुट कर दूँगा यहाँ पर। और मज़ीद इसमें यह है कि जी, इन तीनों वैल्यूज़ का अगर मैं LCM लूँ, तो मेरे पास LCM आ जाता है 100, जो हमारे पास फोर स्टेप है। अब जब मेरे पास 100 LCM आ गया, तो 100 LCM आने के बाद मुझे क्या करना है जी, 20 के टेबल को मैंने चेक करना है, 100 पे कितने टाइम जाता है, तो ये 5 टाइम है। तो मैंने क्या करना है, इसको 1 को मल्टीप्लाई बाय करना है 5 से, तो यहाँ पर पहली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। अगेन मुझे क्या करना है जी, 100 का टेबल 100 पे 1 टाइम जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1। इसके बाद जी, मैं लास्ट वैल्यू 50 है, 50 को अगर मैं 100 के ऊपर लेके जाऊँ, तो ये दो दफ़ा जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो मैं 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, तो यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं लास्ट इसको कंपाइल करूँ, तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो है 8/100, 8/100। तो अब इसको मज़ीद डिस्कस करने के लिए फर्दर जो है, मैं इसको आगे मूव कर रहा हूँ जी। इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर जो आपका LCM लेने का मेथड है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अब जब मेरे पास वैल्यू आ गई थी 5, 1 और 2, और डिवाइड में क्या था जी, 5+1+2/100। अब इसको जब मैं ऐड करता हूँ, 100 वैल्यू है, तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है जी 8/100। मैंने जो टास्क फाइंड करना था, जो पैरेलल सर्किट के लिए हमारा टास्क था, वो है आर टोटल। लेकिन यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखें, तो वहाँ पर बस हमारे वैल्यू आ रही है 1/RT, तो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो हमने क्या करना है, इसको रेसिप्रोकेट कर देना, कि जो आपका डिनोमिनेटर है, आरटी की वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखें, इसको आप नॉमिनेटर में लिखें, और इसके बाद जो 1 है वो उसके डिवाइड में आ जाएगा। सेम क्या हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 12.5 ओम आ जाएगी। तो ये टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला है जी। लेकिन एज कम्पेयर टू जब हमने सीरीज सर्किट किया था, सीरीज सर्किट में एक छोटा सा मैं अगर सर्किट ड्राइव कर सकूँ जो हमने पहले बनाया था, इसमें हमने बहुत सिंपल सी वैल्यूज़ की थी, 20, 30 एंड लास्ट वैल्यू थी 50, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को अगर मैं ऐड करूँ, तो सिंपल था R1+R2+R3। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ बन रही थी 20+30 और +50, इनको ऐड करूँ, तो मेरे पास टोटल वैल्यू बन रही है 100 ओम। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज़ को थोड़ा सा कंपेयर करूँ, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू का रेजिस्टर है, उसकी वैल्यू जो सीरीज़ का इफेक्ट आएगा, वो 100 ओम, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब हम पैरेलल रेजिस्टर की बात करें, तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू का जो रेजिस्टर है वो है 20 ओम का। तो 20 ओम का जब रेजिस्टेंस है, तो वैल्यू उससे भी कम हो रही है। तो ये सीरीज़ और पैरेलल के इफेक्ट्स हैं। अगर आप सेम कंपोनेंट्स को सीरीज़ में लगाएं और उसके बाद उसको पैरेलल में लगाएं, उन्हीं कंपोनेंट्स को, तो उसकी टोटल रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो ये मेन एम वाली बात थी। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट की कम्बिनेशन, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है, अकॉर्डिंग टू नीड, हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, नेक्स्ट अब ये आगे फर्दर मूव करते हैं जी। हमें टोटल करंट फाइंड करना है, तो टोटल करंट फाइंड करने का फार्मूला कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, जैसे हमने सीरीज सर्किट किया था, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही हमारे पास एक सर्किट है। हम क्या कर रहे हैं जी, टोटल करंट फाइंड करना है, तो करंट के लिए फार्मूला होता है I=V/R। अब यहाँ पर TT लिखा हुआ था, इसका मतलब है ये टोटल
करंट हो जाएगा, टोटल वोल्टेज हो जाएगा और टोटल रेजिस्टेंस। जस्ट मैंने क्या करना है जी, वी टोटल की जगह पे वी टोटल की वैल्यू 125 जो मेरे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और आर टोटल अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर फाइंड किया हुआ है 12.5, जब इन दोनों को आपने डिवाइड करना है वी ओवर आर की फॉर्मेट में लेके आएंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 10 एम्पेयर है। ठीक है, जो हम करंट की मेजरमेंट है वो हम एम्प्स में करते होते हैं। अच्छा, एक जो स्टेटमेंट मैंने शुरू में बोली, जब हम पैरेलल सर्किट को हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा जी वोल्टेज सेम होते हैं, वोल्टेज सेम होते हैं। अब मेरे पास जो टोटल वोल्टेज थे वो है 125 वोल्ट, मेरे क्वेश्चन में गिवन है टोटल वोल्टेज। तो यहाँ पर जो फार्मूला आ रहा है जी, वी टोटल इक्वल्स टू वी वन इक्वल्स टू वी टू इक्वल्स टू वी थ्री इक्वल्स टू 125, इसका मतलब है कि वी टी हो, वी वन, वी टू, वी थ्री, उन सबकी वैल्यू क्या है जी, 125। तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट जस्टिफाई हो जाएगी, वोल्टेज सेम है हमारे पास। ठीक हो गया। अगर मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूँ जी, इसको मुझे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब क्या करना है जी, मैंने यहाँ पे कहा जी सेकंड जो स्टेटमेंट हमने बोली थी वो था करंट डिवाइड होता है, करंट डिवाइड हो जाएगा। अब इस डिवाइड वाले करंट को हमने जब लेके चलना है तो हमारे पास जो फार्मूला आने वाला है उसको देखते हैं जी। अगर मैं सिंपल एक फार्मूला लिखूँ, आई इक्वल्स टू वी ओवर आर, अगर मुझे यही फाइंड करना है आई वन के लिए तो आई वन आ जाएगा, उसमें वी वन वोल्टेज आ जाएगा और आर वन रेजिस्टर आ जाएगा। और अगर सेम मुझे दूसरे वाले आई टू के लिए फाइंड करना है तो आई इक्वल्स टू वी ओवर आर फार्मूला अगेन लिखूंगा। इसके बाद क्या करना है जी, आई टू आ जाएगा, वी टू ओवर आर टू एज कम्पेयर टू सेम, इसी सिमिलर हमने क्या करना है जी, अगर तीसरा वाला फार्मूला लिखना है वी आई इक्वल्स टू वी ओवर आर, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा जी, आई थ्री लिखना पड़ेगा, आई थ्री, वी थ्री और आर थ्री हो जाएगा। जस्ट हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है और इसके बाद देखते हैं जी। थोड़ा सा यहाँ पर एडिटिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ये सेलफोन से वीडियो बन रही है। अब यहाँ पर पहला फार्मूला देखें, आई वन अगर मैंने फाइंड करना, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ, करंट डिवाइड होने की वजह से हम क्या करेंगे जी, वी ओवर आर वन, वी की वैल्यू हमारे पास 125 है और आर वन की वैल्यू हमारे पास 20 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल जो एम्स आ जाएंगे वो 6.25 है। अगर वी टू को करेंगे अगेन, वी टू की वैल्यू भी 125 है, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू सेम हो जाएंगी। अगर आप इनको देखें, वी वन की वैल्यू, इसके बाद वी टू की वैल्यू और इसके बाद वी थ्री की वैल्यू, ये सारी सेम है। उसकी रीज़न क्या है जी, ऊपर ये स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है वी टोटल वाली। ठीक है, अच्छा फर्दर हम इसमें लेके चलते हैं जी, 125 को हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है जी आर टू से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 6.2 एम्पेयर है, फिर दूसरी वैल्यू 1.25 आ जाएगी और लास्ट वाली वैल्यू 2.50। अगर मैं इसको फर्दर आगे मूव करूँ जी, इन्हीं चीज़ों को आगे फर्दर लेके चलते हैं, तो लास्ट जो हमारा कंक्लूजन आने वाला है जी, हम करंट के लिए डिवीजन करेंगे और इसके बाद पावर के लिए जो कैलकुलेशन करने वाले हैं उनको देखना ज़रा। अब जो हमारे पास करंट टोटल आया था वो था 10 एम्पेयर, 10 एम्पेयर के बाद जो हमारा आई वन आया, आई वन की वैल्यू है जी 6.25, आई टू की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो 1.25 है और आई थ्री की वैल्यू 2.50। जब इन सारों को कैलकुलेट कर लें तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब है जो हमने करंट डिवाइड किया है हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक आई है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास पावर हमने कैसे फाइंड करनी है किसी भी सर्किट के अंदर, वो सीरीज हो या पैरेलल, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है पी इक्वल्स टू वी आई, तो हम इसी फार्मूले को लेके चलेंगे जी। अगर मैं पी इक्वल्स टू वी आई करता हूँ, पी वन हो जाएगा, अगर इसको मैं टोटल लिखता हूँ, पी टोटल, वी टोटल और आई टोटल, तो टोटल का जो आ जाएगा इसकी जो भी कैलकुलेशन आए, यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा, नंबर के बाद हम इसको कन्वर्जन के बाद लिखेंगे जी ये वाट में है। ठीक है, अब अगर मेरे पास P1 की मैंने पावर फाइंड करनी है तो P1 के लिए जी V1 की वैल्यू अगेन 125 है जो हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, अगेन I2 जो हमारे पास V2 की वैल्यू होगी। अच्छा यहाँ पर डिफरेंट तीन फार्मूलाज अप्लाई हुए हैं लेकिन तीनों के साथ जो उसकी पावर आएगी वो सेम ही है, पावर के हमारे पास तीन फार्मूले आ जाएंगे, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर, ये दूसरा फार्मूला आ जाएगा, और तीसरा फार्मूला जी P इक्वल्स टू वी स्क्वेयर ओवर आर। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज हम तीनों से अगर फाइंड करेंगे तो तीनों में सेम ही है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है कि हम जो पावर का मेन फार्मूला पी इक्वल्स टू वी आई इसी को डिस्कस करेंगे, क्लास में भी ये डिस्कस हुआ। अगर फर्दर आपने चीज़ को चेक करना है तो आप इसी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्लास ये हमारा था पैरेलल सर्किट अभी तक का, तो पैरेलल सर्किट के बाद हम मजीद डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं जी। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है जी पहले कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जी, कि कैपेसिटर ऐसी डिवाइस होती है जो अपने अंदर उसकी एबिलिटी है जी, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। अच्छा इसके अंदर डिफरेंट प्लेट्स हैं जी, नंबर ऑफ इसके अंदर जो प्लेट्स हैं वो कितनी है, नंबर ऑफ प्लेट्स इसके अंदर 2 हैं। इसके बाद इन प्लेट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं, सेपरेट क्यों कर रहे हैं जी, दोनों कंडक्टिव मटीरियल है, इनके दरमियान एक इंसुलेटर होता है जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक।
अगर ये डाई इलेक्ट्रिक ना हो तो कैपेसिटर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, उनके दरम्यान एक हम इंसुलेटर रखते हैं जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक। तो इस पूरी डिवाइस को हम लोग कहेंगे जी, ये पूरी डिवाइस जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको हम कहते हैं कैपेसिटर। अच्छा, यहाँ पर एक रिलेशन आ रहा है सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। यहाँ पर अगर हम रिलेशन देखें जो कैपेसिटी है, यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, कैपेसिटर की कैपेसिटी की बात करेंगे। कैपेसिटी कैपेसिटर की जो चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो मैं कहूँगा जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतना ही ज़्यादा ये चार्ज को अपने अंदर स्टोर करेगा, ठीक है, और वोल्टेज के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। ये एक रिलेशन आपको बताना था यहाँ पे। अच्छा, यही सारी स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिखी है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द चार्ज, ठीक है, चार्ज स्टोर कैपेसिटर के लिए, और इसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज। तो ये सारी स्टेटमेंट जो भी मैंने बोली है तो ये सारी वही है, ठीक है। इसके बाद जब हम दूसरी बात करते हैं कि कैपेसिटर की, जो हमने बात की थी कि ये इसके अंदर एबिलिटी है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो हमने पता है कि कर रहा है। अच्छा, कौन सी फील्ड की फॉर्म में कर रहा है उसको हम देखते हैं जी। कैपेसिटर जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है वो होती है जी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर स्टोर करेगा। और हमेशा जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स हैं उनके ऊपर चार्ज अपोजिट होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा जो कैपेसिटर की प्लेट्स हों दोनों पे प्लस चार्ज हो या दोनों पे माइनस चार्ज हो, ठीक है। अब जो चार्ज हो रहा है इसके ऊपर वो हमारे पास किसके इक्वल होगा जी, अप्लाइड वोल्टेज के। अगर फर्ज़ करें मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसको मैंने एक बैटरी सोर्स के साथ लगाया और बैटरी मेरे पास 5 वोल्ट की है, तो 5 वोल्ट के बाद ये कैपेसिटर भी 5 वोल्ट पे चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल अप्लाइड वोल्टेज के एक्यूरेटली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जी डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर, मतलब ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है। तो जितनी अच्छी क्वालिटी का डाई इलेक्ट्रिक होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी का डाई इलेक्ट्रिक होगा, चार्ज उतनी ही ज़्यादा देर तक वहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद इसकी हम डिस्कशन में आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको मज़ीद फर्दर डिस्कस करते हैं जी। अगर मैं ज़्यादा इस थोड़ी सी मज़ीद अगर इसमें बात करें तो हमारे पास जो कैपेसिटर है उसका एक सिंबल होता है जी, कैपेसिटर के लिए सिंबल है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का कैपेसिटर होगा तो इसके एक साइड पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक साइड को हम कहते हैं जी ये प्लेट वन है, ये प्लेट वन है, और ये वाली प्लेट टू हो जाएगी, ठीक हो गया। ये वाली साइड को, ये वाली साइड को हम कहते हैं ये हमारे पास कनेक्टिंग लीड्स हैं, और सेंटर में जो चीज़ हम रखेंगे इसको हम कहते हैं ये हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं जी, डाई इलेक्ट्रिक। ये क्या चीज़ है, डाई इलेक्ट्रिक। अब डाई इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी क्या है जी, ये दोनों मटेरियल को आपस में शॉर्ट नहीं होने देगा। जितने अच्छा मटेरियल का इंसुलेटर होगा या डाई इलेक्ट्रिक होगा, चार्ज उतनी देर तक ज़्यादा स्टोर रहेगा, ठीक है। अब हम जब इसकी बात करते हैं जी मज़ीद हम कैपेसिटर की, तो इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं जी, हमारे पास ग्लास हो सकता है जो डाई इलेक्ट्रिक है, इसमें एयर कैपेसिटर हो सकता है। और ये चीज़ याद रखना कि जिस मटीरियल का डाई इलेक्ट्रिक होगा उसी प्रॉपर्टी पे वो कैपेसिटर एग्जिस्ट करेगा। अगर फर्ज़ करें एयर हमने डाई इलेक्ट्रिक रखा तो एयर एज अ कैपेसिटर का नाम हो जाएगा एयर कैपेसिटर। अगर ग्लास को रखा है तो ग्लास हो जाएगा, अगर पेपर रखा है तो वो पेपर कैपेसिटर होगा, अगर सिरामिक है तो सिरामिक। और अगेन जी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट वो कैपेसिटर होते हैं जिसको लगाते हुए आपने प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। प्लस का साइन सर्किट बोर्ड के ऊपर होगा और कैपेसिटर के ऊपर एक साइड पर बार नेगेटिव ऐसे करके बनी हुई होती है, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, एक साइड पे माइनस वाली बार होती है। तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को ही लगाते हुए ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोलाइट को पोलर कैपेसिटर भी कहते हैं, तो ये बाकी दूसरे कैपेसिटर ये जितने भी हैं ये सारे नॉन पोलर हो जाएंगे, ठीक है। शेप्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट शेप्स के भी हो सकते हैं। अच्छा, कैपेसिटर की जो वैल्यूज़ हैं, कैपेसिटर को हम लोग जो बड़ा यूनिट है उसको हम कहते हैं फेरेड, ठीक है, कैपेसिटर का बड़ा यूनिट फेरेड होता है। और इसके अलावा हम इसको माइक्रो फेरेड में लिखते हैं, ठीक है, नैनो फेरेड में लिखते हैं, और इसके बाद हम इसको पिको फेरेड में लिखते हैं। तो माइक्रो जो होता है 10^-6 हो जाएगा, और अगर नैनो की बात करें 10^-9 हो जाएगा, और पीको जो है वो 10^-12 हो जाएगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कैपेसिटर से थोड़ी थोड़ी रिलेट करती हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं अगर इसको कंफर्म करूँ कि अगर हमें कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाना है तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा। अगर ये मेरे पास C1 है और ये मेरे पास C2 है, ये मैं सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो पैरेलल है, यहाँ पर आ जाएगा 1/CT = 1/C1 + 1/C2। तो इसका जो आप सीरीज़ में कैपेसिटर लगाएंगे उसका इफेक्ट पैरेलल वाला बन जाएगा। और अगर मैं पैरेलल कैपेसिटर लगाऊं, अगर मैं कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करूं, तो यहाँ पर जब कैपेसिटर पैरेलली कनेक्ट हो गए तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा CT = C1 + C2। रेजिस्टर के बिल्कुल अपोजिट, रेजिस्टर के बिल्कुल अपोजिट वो चीज़ बनेगी। जब ये अपोजिट बनेगा इसका एक अपना इफेक्ट होता है, ठीक है। अब कैपेसिटर को हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं जी, यूजेस में अगर आ जाए तो हमारे पास कंप्यूटर मेमोरीज में हम इसको यूज़ करते हैं, नॉइज़ फिल्टर में यूज़ करते हैं, टाइमिंग सर्किट्स में यूज़ होता है, पावर सप्लाईज में यूज़ होता है, एसी और डीसी सेपरेटर, मींस कि यहाँ पर क्या चीज़ है कि एसी जो कैपेसिटर है वो एसी को पास कर देता है और डीसी को ब्लॉक करता है,
तो हम ऐसा इसको फिल्टर भी यूज़ करते हैं, और व्हीकल में या ऑडियो सिस्टम में हम इसको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं जी। तो इन शॉर्ट कैपेसिटर हमारे पास एक बहुत बेहतरीन डिवाइस है जी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो मज़ीद अगर आप इसको डिस्कस करना चाहें, मतलब और करना चाहें, तो आप इसकी थ्योरी को पढ़ सकते हैं, डिफरेंट बुक को कंसर्न कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितना भी आपसे रिलेट करता है उतने उससे ज़्यादा मैं आपको बता चुका हूँ अब यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास जी इंडक्टर आ रहे हैं। अब इंडक्टर के अंदर क्या चीज़ है, इंडक्टर भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। अब इंडक्टर को बनाया गया कैसे जाता है जी। इंडक्टर क्या है कि एक, अगर फर्ज़ करें एक स्ट्रेट वायर है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं इसको ए और बी कह देता हूँ। अब इसको मैंने क्या बनाना है जी, इंडक्टर बनाना है। तो इंडक्टर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कॉइलिंग शुरू कर दूँगा। जैसे कॉइल शुरू करूँगा तो ये मेरे पास एक इंडक्टर की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि मैंने इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐसे है कि जब एक सिंपल वायर है, कॉपर वायर कर लें, इसको अगर आप टर्न्स की फॉर्म में ले आए तो वो आपके पास इंडक्टर बन जाएगा। अगर फर्ज़ करें जैसे ए और बी वायर है, इसमें से मैं करंट को पास करवाऊँ तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी वीक होगी, ये स्ट्रॉन्ग वाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन अगर आप इंडक्टर के अंदर बनाएंगे तो इंडक्टर के अंदर क्या चीज़ बनेगी, स्ट्रॉन्ग वाली मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। यहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग वाली मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो अगर मैं इसको मज़ीद डिस्कस करता हूँ, जो सबसे पहले जी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ जी, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, कंसिस्ट कैसे करता है, कंसिस्ट अ वायर अ लूप, मतलब सिंपल एक वायर अ लूप है। इसको हम क्या कहते हैं जी, कॉयल। अगर आप इसको कॉयल फॉर्मेट में बनाएंगे तो वो इंडक्टर है, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो, उसको हम कहते हैं जी, वो हेनरी है, और उसको हम डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इंडक्टर के लिए भी। अगर इसका मैं फार्मूला लिखूँ तो एल इक्वल्स टू फाई ओवर आई। एल यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, इंडक्टेंस। एल क्या चीज़ है, इंडक्टेंस। फाई हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर मैं इसको लिख सकूँ तो। एल हमारे पास क्या है जी, इंडक्टेंस। फाई हमारे पास क्या है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और आई हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, करंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेट कर रही हैं। तो फाई ओवर आई जब हम करेंगे, तो आगे अगर फर्दर मैं इसको मूव करता हूँ जी नेक्स्ट के मज़ीद देखने के लिए कि वहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम 1 हेनरी को, इसको यहाँ पर अगर हम 1 हेनरी का फार्मूला बनाना चाहें, जैसे यहाँ पर है जी एल इक्वल्स टू फाई ओवर आई। मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर वाली स्लाइड में ये चीज़ डिस्कस की, फाई हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, आई करेंट, और एल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को अगर मैं कह दूँ जी ये 1 हेनरी है, 1 हेनरी। फाई को ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहाँ पर ये एम्पेयर है। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स 1 हो जाए और ये 1 हो जाए, अब इसको अगर मैंने डिफाइन करना है तो डिफाइन करने के लिए बहुत सिंपल है जी। अगर 1 वेबर, इसको अगर मैं लिखूँगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ठीक है। अगर 1 वेबर का फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाए 1 एम्पेयर करंट के गुजरने से, तो उस कॉयल की इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी, ठीक है। इफ़ 1 वेबर फ्लक्स प्रोड्यूस बाय 1 एम्पेयर करंट, देन दैट इज इक्वल्स टू 1 हेनरी, ठीक है। द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉयल इज 1 हेनरी। तो इसको हम एच से डिनोट करेंगे जी। यहाँ पर इंडक्टेंस ऑफ अ कॉयल, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड अमाउंट ऑफ अ फ्लोइंग करंट, इट्स अ यूनिट हेनरी। तो ये सारी चीज़ें वहीं पे हैं। अगर आप इसी चीज़ को डिफाइन कर देंगे, जैसे 1 वेबर है, इफ़ 1 वेबर फ्लक्स प्रोड्यूस बाय 1 एम्पेयर करंट, दैट इज इक्वल्स टू 1 हेनरी। तो यही चीज़ को आपने कोडिंग के अंदर ले आना है, थोड़ी सी वोकेबलरी के अंदर लेके आएंगे तो ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फर्दर हम इसको डिस्कस करने जाते हैं जी। आगे हमारे पास है वोल्टेज। अगर वोल्टेज को मैं डिस्कस करूँ तो वोल्टेज बहुत सिंपल सी चीज़ है जी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड वोल्टेज। जैसे मैं आपको सेल की एग्जांपल देता हूँ, घड़ी के सेल में दोनों साइड प्लस नहीं होती, दोनों साइड माइनस नहीं होती, एक प्लस है और एक माइनस। अब एक प्लस और एक माइनस है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं जी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड वोल्टेज। और यहाँ पर हम इसको क्या कह सकते हैं, मजीद कह रहे हैं जी एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्रेस इन वोल्ट्स। तो यहाँ पर जो वोल्टेज का यूनिट है, अगर मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF की बात करता हूँ, तो उसका यूनिट भी हमारे पास क्या है जी, वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास है, यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, तो ये भी हमारे पास वोल्ट में ही है। तो इसको हम डिनोट करेंगे V से, मतलब वोल्टेज में लिखेंगे और इसको V से डिनोट किया जाएगा। और यहाँ पर सारी चीज़ें, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट वी है, द यूनिट और वोल्ट्स, तो हम इसको लिखा जा सकता है इसमें। यहाँ पर इसमें इतनी इशू वाली बात को नहीं, अगर सिंपल आप वी भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा।
ठीक है जी, अगर इसको मजीद EMF की बारे में बात करने चलते हैं जी, EMF स्टैंड फॉर हमारे पास क्या होता है जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हम EMF की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट आती है, तो ये हमारे पास एक ड्राइविंग फोर्स है। अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करता हूँ, पहला सर्किट कौन सा है जी, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक सर्किट हो प्लस अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, तो उसको जो चीज़ चलाती है वो है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर ये फोर्स को मिनिमाइज़ कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो आपका कोई भी सर्किट रन नहीं करेगा, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इसकी मज़ीद हम बात करेंगे MMF की सूरत में, जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो नेक्स्ट जब चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ बात करेंगे मैग्नेटिज्म में। तो यहाँ पर EMF रिलेट क्या है जी, ड्राइविंग फोर्स है। किसी भी करंट, मतलब कोई भी सर्किट है जो आपके पास, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसको रन करने के लिए EMF ज़रूरत होती है। अगर ये EMF माइनस हो जाए तो वो सर्किट रन नहीं करेगा। हर चीज़ को सुपरवाइज़ करने के लिए कोई ना कोई होता है, जैसे कॉलेज में मतलब कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा, स्कूल में प्रिंसिपल होगा, या यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे डीन होगा। अगर हम कॉलेज की बात करें तो मे बी कोई भी जो टॉप मैनेजमेंट में आपके पास, तो जो आपको कंट्रोल कर रहा हो, आपको ड्राइव कर रहा हो, वो आपकी EMF है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो EMF बेसिकली है, और इसके जो यूनिट्स हैं जी, EMF को हम लोग क्या करते हैं जी, उसका जो यूनिट है हम उसको वोल्ट में ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। वो ड्राइविंग फोर्स है। अब ये क्या करता है जी, एनर्जी ट्रांसफ़र करता है थ्रू वन सर्किट। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, EMF इज़ द एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर थ्रू आउट द सर्किट ड्यू टू द फोर्सिंग। अब यहाँ पर फोर्सिंग का वर्ड यूज़ हुआ है जी। फोर्सिंग क्या कर रहा है जी, चार्ज टू मूव थ्रू आउट द सर्किट। अब जो ड्राइविंग फोर्स है वही ये काम कर रही है, ठीक है। अगर हम EMF को रिमूव कर दें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिमूव कर दें और इस फिनोमेना को ख़त्म कर दें, तो आपका कोई भी सर्किट रन नहीं करेगा, बेशक उसकी सारी चीज़ें पूरी हों, ठीक है, इनपुट और आउटपुट पूरी हो और सर्किट भी ठीक बनाओ। अगर उसमें से EMF को माइनस कर दें, तो EMF के माइनस होने से क्या हो जाएगा, आपको वो सर्किट रन नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से EMF के बारे में इतनी डिटेल काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी पावर से रिलेट। अच्छा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो पावर से रिलेट जब बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने पावर के तकरीबन चार फार्मूलाज को डिस्कस करना है। अगर मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सका तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता दूंगा जी। तो सबसे पहले क्या है जी, द रेट एट विच, पहला काम क्या है जी, वर्क डन हो जाए, द रेट एट विच, पहले हम क्या कह रहे हैं जी, वो रेशो शरा, वो शरा जिस पे वर्क डन हो जाए, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए, किस में हो, इन यूनिट टाइम में हो, तो हम उसको कहेंगे जी वो पावर है। तो उसके लिए फार्मूला हम लिखते हैं P इक्वल्स टू W बाई टी। यहाँ पर W हमारे पास वर्क डन है, T हमारे पास टाइम है, और P हमारे पास पावर है। अगर इसको मैं मज़ीद एलेबोरेट करूँ जी, तो P स्टैंड फॉर पावर है इन वाट्स, ठीक है। P हमारे पास क्या चीज़ है जी, पावर इन वाट्स। इसके बाद अगर नेक्स्ट मैं इसको करता हूँ जी, वर्क डन किस में होता है जी, इन जाउल्स। और इसके बाद मज़ीद अगर मैं इसको टाइम को डिस्कस करता हूँ, तो टाइम हमारे पास होता है इन सेकेंड्स में, ठीक है, टाइम इन सेकेंड। और अगर मज़ीद बात करें जी, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट, वो सिंपल यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर पावर के एक फार्मूला आ रहा है, P = W/T, P = VI, P = I²R, P = V²R। तो ये फार्मूले हमने पैरेलल सर्किट में भी डिस्कस किए, लेकिन अगर इसको मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनाया जा सकता है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले ये हमारे पास स्टैंडर्ड P = W/T है, तो अगर इसको मैं लिखता हूँ Q = CV, W = नेक्स्ट मतलब जो हमारे पास फार्मूलाज आने वाले हैं, अगर इसको मैं मज़ीद डिस्कस करूँ, W = QV, अगर यहाँ पर क्यू वी आया, तो अगर मैं पहले वाली स्टेटमेंट में इसको पुट करूँ W की जगह पे, तो वो बन जाएगा P = QV/T। तो अगर यहाँ से जो Q/T है हमारे पास, मैं नेक्स्ट एक फार्मूला लिखता हूँ I = Q/T, जो हमने फर्स्ट लेसन प्लान में किया था करंट के लिए, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इस स्टेटमेंट के बाद, तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं P = IV, तो जो हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो रहा है P = VI है। तो यहाँ से ही वो चीज़ें बनती चली जाएंगी। सबसे पहले स्टेटमेंट आपके पास W = QV है, जब आप QV को यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो Q/T आपके पास करंट आ जाएगा। करंट को पुट करेंगे P = VI हो या IV, तो आपके पास पावर ही है। तो अगर इसी फर्दर को मैं लेके चलता हूँ, P = VI को मैं लेके चलता हूँ, अगर इसको मैं चेंज करता हूँ, V की वैल्यू को मैं चेंज कर V = I * R में चेंज करता हूँ, तो V की जगह पे मैंने लिखना है I * R, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय I अगेन है, तो ये I बना देगा I² * R, तो दूसरा फार्मूला आपके पास हो जाएगा। और अगर यहीं पे मैं करता हूँ जी P = VI सही,
तीसरा फार्मूला बनाना चाहूँ पी इक्वल्स टू वी आई, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है जी, अगर जैसे हमारे पास दूसरा फार्मूला आ गया था पी इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर, अब यहाँ पर करने वाली जो चीज़ है अगर मैं आई को चेंज करता हूँ, आई इक्वल्स टू वी ओवर आर होता है, ठीक है, अगर वी ओवर आर को मैं यहाँ पर पुटता हूँ तो वी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में मेरे पास एक आर पहले से एक आर और ये स्क्वेयर कट जाएगा, तो हमारे पास लास्ट ये वाली स्टेटमेंट बन जाती है। तो कुल मिला के जी हमारे पास पी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, पी इक्वल्स टू वी आई, पी इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर, पी इक्वल्स टू वी स्क्वेयर आर। तो यहाँ पर करना क्या सिंपल, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू वी को पुट करने से ही आपकी सारी स्टेटमेंट हो जाएंगी। बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ्स अच्छा है तो ये चीज़ आप कोड करें, वहाँ से आपके पास करंट का फार्मूला बनेगा आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी आ जाएगा। क्यू बाई टी आने से आपने क्या करना है, क्यू बाई टी को आपने पुट करते जाना है, जैसे पुट करेंगे वहाँ से आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू आएगी, फिर आपके पास तीसरी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा क्लास हम फर्दर अब इसको डिस्कस करते हैं कि जी हमारे पास जो यहाँ पर क्राइटेरिया था, हमने अपने को चेक करना है कि जी हमारा असेसमेंट प्लान अच्छा गया या बुरा गया, तो उसमें हमने सबसे पहली चीज़ है जी डिफाइन पावर पी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, वो कर सकते हैं। ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इनके यूनिट्स को ड्राइव करना है, कैपेसिटर का यूनिट फैराड होता है, इंडक्टेंस का हेनरी होता है, और पावर का यूनिट वाट होता है। अगेन जी हम लोग डिस्कस करने जाते हैं फार्मूला ऑफ अ पावर, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पावर पी, तो हमारे पास पी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी भी है, पी इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर भी है, पी इक्वल्स टू वी आई भी है, तो पी इक्वल्स टू वी स्क्वेयर ओवर आर भी है। नेक्स्ट हमारे पास ये हाउ टू कैलकुलेट पावर इन पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल सर्किट में पी इक्वल्स टू वी आई लिख लें एक, या फिर आई स्क्वेयर आर लिख लें दो, या फिर तीसरी बात है वी स्क्वेयर ओवर आर लिख लें, तो इन तीनों से आपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास में मैंने थ्री रजिस्टर के साथ पैरेलल सर्किट करवाया, लेकिन यहाँ पर जो है मैं न्यूमेरिकल जो सर्किट दे रहा हूँ वो टू पैरेलल रजिस्टर के साथ है, तो उसको थोड़ा सा देख लें जी कि आपने जब वोल्टेज अप्लाई करने हैं, वोल्टेज के बाद आपके पास एक एक रजिस्टर है, फिर ये दूसरा रजिस्टर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है जी 20 रख लें और एक को 30 रख लें, तो जब टोटल रजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो 1 ओवर आर टी के साथ क्या आ जाएगा, 1 ओवर आर 1 प्लस 1 ओवर आर 2। तो जब ये वैल्यूज आ जाए तो आपने आर 1 और आर 2 का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर 2 प्लस आर 1, जस्ट वैल्यूज कोड करनी है और इसके बाद उसको रेसिप्रोकेट करेंगे, तो बाकी सारा मेथड वैसे ही है, क्योंकि हमने थ्री रजिस्टर के साथ किया था, यहाँ पर आपके पास सिंगल एंटिटी आएगी, तो इसी को आप फाइंड आउट करते हुए जाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट जी, आप इसको लेसन प्लान को अगर देखते हैं तो इसको अच्छे से कॉपी करें, सुने, अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको कॉमन सेंस के जरिए हल करें, क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ तो ज़्यादा मेरे पास सक्सेस क्राइटेरिया नहीं है कि मैं जस्ट आपको इस चीज़ को इन्फॉर्म करूँ, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर जो क्लास में लेट आए हैं, जो लेक्चर को अवेल नहीं कर सकते, तो काइंडली अपनी मदद आपके तहत आप खुद करें जी, जितना मैजिक मैं कर सकता हूँ मैंने कर दिया, अब आपकी बारी है जी, बेस्ट ऑफ लक।